बड़ी खबर आ रही है डोकलाम को लेकर। कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। सुरजेवाला ने सरकार से डोकलाम में मुद्दे पर 7 सवाल पूछे हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि भारत सरकार ने बयान दिया था कि डोकलाम से चीनी सेना वापस लौट गई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि डोकलाम ने चीनी कब्जा कर लिया है। ऐसे में भारत सरकार अपना पक्ष साफ करे। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने मोदी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। मोदी और उनके मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस ने हमला किया है मोदी सरकार पर और ये कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि डोकलाम पर चीन का कब्जा है, जवाब दे सरकार। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और समझौता किया जा रहा है। प्रश्न ये है कि क्या मोदी सरकार सो रही है, जब चीन डोकलाम प्लेटू पर कब्जा किए है, जो उत्तर पूर्व के सब राज्यों और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने अपने भिन्न भिन्न बयानों से देश को गुमराह किया है? पर जिस प्रकार से सैटेलाइट इमेजरी अब उपलब्ध है और जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनसे ये साफ है कि चीन ने डोकलाम प्लेट्यू के एक बड़े हिस्से पर दोबारा अपनी सेनाओं सहित परमानेंट कब्जा कर लिया है। ये एक सैटेलाइट इमेजरी है जो हमने ली है, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं, जिसके अंदर आप ये पाएंगे कि ये भारत है और इस प्रकार से चीन ने आकर ये सब जो कब्जा है वो यहां नजर आ रहा है प्रथम दृष्टि से। और अब खबर गुजरात के कांडला पोर्ट से, जहां तेल के एक टैंकर में आग लगने की खबर है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिनोसा नाम के इस जहाज में ईंधन भरा था। करीब 30,000 टन डीजल से भरे इस टैंकर में आग से बड़ा खतरा हो सकता था। कोस्ट गार्ड की मदद से जहाज में सवार 25 नाविकों को बचा लिया गया है। हादसे में 2 नाविकों के घायल होने की भी खबर है। हादसे के बाद अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि जहाज से तेल का रिसाव ना हो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए डाउनलोड करिए आज तक ऐप या फिर विजिट करें www.aajtak.in और बने रहें आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।